नमस्कार दोस्तों, सो आई एम हियर विद वीडियो पार्ट टू द लंचन बाय सॉमरसेट मॉघम एंड वी वर हियर. सो लेट्स स्टार्ट. आई ट्राइड विथ ऑल माइट टू विल हिम टू से नो. मैंने पूरी कोशिश की कि वो ना कह सके, यानी वो वेटर को वो ये कहलवाना चाहता था कि देयर इज़ नो एस्पैरागस. ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रीस्ट लाइक फेस एंड ही अश्योर्ड मी दैट दे हैड सम सो लार्ज, सो स्प्लेंडिड, सो टेंडर दैट इट वॉज ए मार्वल. और उस वेटर ने बताया कि उन लोगों के पास एस्पैरागस है, अवेलेबल है, और वो बहुत ही उम्दा, बढ़िया और कोमल है और बहुत बड़ा भी है. आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड. गेस्ट ने, जो लेडी ने कहा कि वैसे तो मैं बहुत हंग्री नहीं हूँ, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस. लेकिन मैं, अगर आप इंसिस्ट करेंगे, अगर जोर देंगे, तो मैं थोड़े एस्पैरागस ले लूँगी. आई ऑर्डर्ड देम, और मैंने उसको ऑर्डर कर दिया. Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus. तो उस लेडी ने पूछा, Aren't you going to have any? क्या आप नहीं लेना चाहते हैं? तो राइटर ने बताया कि No, I never eat asparagus. I know there are people who don't like them. The fact is, you ruin your plate by all the meat you eat. मुझे पता है, उस लेडी ने कहा कि मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो एस्पैरागस पसंद नहीं करते हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ कि तुमने अपने प्लेट में मीट खा करके पूरा बर्बाद कर दिया. वी वेटेड फॉर द एस्पैरागस टू बी कुक्ड, और तब तक हम लोग वेट कर रहे थे ताकि एस्पैरागस कुक हो जाए. पैनिक सीज्ड मी, और जो मैं टेंस हो चुका था. इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ मंथ. और ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन बचा नहीं था कि अब मैं पूरे महीने कैसे अपना गुजारा चलाऊँगा. बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल. अब इस ये क्वेश्चन था कि अब जो बिल आएगा उसको मैं पे कर पाऊँगा या नहीं. इट वुड बी mortifying to find myself 10 francs short. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. Mortifying का मतलब होता है humiliating. तो ये बहुत humiliating था, ये बहुत अपमान से भरा हुआ था कि 10 फ्रैंक्स भी अगर कम हो जाए तो मुझे मेरे गेस्ट से बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा. आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर. मैं जानता था, आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड. I could not bring to that. I knew exactly how much I had. मुझे पता था कि मेरे पास कितना है. If the bill came to more, लेकिन अगर बिल ज़्यादा आया, तो I made up my mind that I would put my hand in my pocket with a dramatic cry start up and say it had been picked. तो मैं एक ड्रामा करूँगा, मैं अपने पॉकेट में हाथ डालूँगा और मैं कहूँगा कि मेरा जो पैसा है, मेरा जो पर्स है, वो चोरी हो गया है. ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड. ये बहुत ही ऑकवर्ड होगा इफ़ सी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल. अगर मेरी जो गेस्ट है उसके पास भी अगर पैसा नहीं होगा तो बहुत फनी और ऑकवर्ड होगा. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. तो एक ही रास्ता बचेगा कि मैं वेटर को कहूँ कि मैं यहाँ अपना वॉच छोड़ रहा हूँ
और मैं यहाँ पे करके अपना वॉच ले जाऊँगा। द एस्पेरेगस अपियर्ड, और तब एस्पेरेगस आता है। दे वर इनॉर्मस सक्यूलेंट एंड एपेटाइजिंग, और वो बहुत ही सक्यूलेंट था, इनॉर्मस था, बहुत बड़ा था, वो जूसी था। सक्यूलेंट का मतलब जूसी होता है, एंड बहुत एपेटाइजिंग, पाचक। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिकल्ड माई नॉस्ट्रिल्स, और उसका जो स्मेल था, जो बटर का स्मेल था, वो बहुत सुगंधित लग रहा था। बट ऑल आई कुड डू वॉज टू वॉच माई गेस्ट थ्रस्ट देम डाउन इन लार्ज माउथफुल्स, और मैं सिर्फ ये देख सकता था कि जो गेस्ट है, जो लेडी है, वो पूरे मुंह भर के उसको अपने गले से उतार रही है। एट लास्ट सी फिनिश, और तब वो फिनिश कर देती है। कॉफ़ी आई सेड, क्या तुम कॉफ़ी पियोगी? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, सी आंसर्ड। उसने कहा कि सिर्फ आइसक्रीम और कॉफ़ी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉज पास केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। तो मैंने उसके लिए एक आइसक्रीम और कॉफ़ी ऑर्डर किया, और मैं अपने लिए सिर्फ कॉफ़ी ऑर्डर किया। यू नो देर इज़ वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन, मैं ये बिलीव करता हूँ, पूरी तरह से करती हूँ। सी सेड एसी एट आइसक्रीम, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर। तो वो ये कह रही थी कि मैं इस बात में पूरी तरह से विश्वास करती हूँ कि व्यक्ति को जब खा करके जब उठना चाहिए तो थोड़ा पेट खाली रहना चाहिए, और बाद में, ताकि वो बाद में भी थोड़ा बहुत कुछ खा सके। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क फेंटली, क्या तुम अभी भी हंग्री हो? ओ नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी, मैं उतनी हंग्री नहीं हूँ। आई डोंट ईट लंचन, मैं तो नाश्ता करती भी नहीं हूँ, लंच करती भी नहीं हूँ। आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, मैं सिर्फ सुबह में कॉफ़ी लेती हूँ और फिर एकदम रात डिनर लेती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, लंच के समय में सिर्फ एक चीज़ के अलावा कुछ नहीं खाती हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी कि तुमने तो इतना हैवी खा लिया। ओह आई सी। देन ए टेरिबल थिंग हैपेंड, और तब एक बहुत ही टेरिबल थिंग हुआ। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, और जब कॉफ़ी आ रहा था, द हेड वेटर केम अप टू अस बियरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ह्यूज पीचेस, और तब एक हेड वेटर वहाँ आया और उसके पास लार्ज बास्केट में पीचेस रखे हुए थे। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, और उस दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, आई न्यू टू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट। गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन एबसेंट माइंडेडली टुक वन। सो तो दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, तो वहाँ पे एक, वहाँ जो लेडी थी वो थोड़ी सी शर्माई। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, इटालियन लैंडस्केप, यहाँ मीनिंग थोड़ा अनक्लियर नहीं है। लैंडस्केप एक पिक्चर होता है, तो वहाँ पे पिक्चर भी था सामने। बट श्योरली पीचेज वर नॉट इन सीजन देन, लेकिन यस यस मे बी दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप। इसमें जो फिगर्स बने हुए थे कुछ उस तरह के होंगे। बट श्योरली पीचेज वर नॉट इन सीजन देन, लेकिन उस, वो जो पीचेस थे वो उस सीजन में नहीं आते थे। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, और सिर्फ ईश्वर जानता है कि उसका कॉस्ट क्या होगा। आई न्यू टू, मैं थोड़ा जानता था, जाना
आई न्यू टू, मैंने भी जाना थोड़ा लेट से, फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन एबसेंट माइंडेडली टुक वन, और जो गेस्ट थी लेडी थी वो एक पीचेस उठा ली. यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद ए लॉट ऑफ मीट. तो उसने कहा कि तुम देखो कि तुमने अपना स्टमक जो है मीट से फिल कर दिया है. माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप. तो वो राइटर जो है पछता रहा था कि मैं थोड़ा सा चॉप खाया मीट का, एंड यू कांट ईट वन एनी मोर. तो वो लेडी बोली कि तुमने वो चॉप खाया और अब तुम कुछ नहीं खा सकते हो. बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक, लेकिन मैंने अभी अभी स्नैक खाया. एंड आई शैल इन्जॉय ए पीच, और अब मैं पीच भी इन्जॉय कर सकती हूँ. द बिल केम एंड वेन आई पेड इट, और जब बिल आया, जब मैंने पेड किया, आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर ए क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, और तब मेरे पास बहुत ही थोड़ा टिप के लिए बचा था. हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 francs आई लेफ्ट फॉर द वेटर, एंड आई न्यू दैट सी थॉट मी मीन. और जब उस लेडी ने, जब उस गेस्ट ने देखा कि सिर्फ 3 francs ही वेटर के लिए छोड़ा गया है, तो मुझे लगा कि वो मुझे मीन समझेगी. बट व्हेन आई वॉक्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट ए पेनी इन माई पॉकेट. और तब मैं जब रेस्टोरेंट से बाहर गया, तब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, और पूरे महीने मुझे चलाना था. खर्च कैसे चलेगा पता नहीं. फॉलो माई एग्ज़ाम्पल, और उसने फिर से बोला कि मेरा एग्ज़ाम्पल फॉलो करना. सी सेड एज ही शुक हैंड्स, और उसने हाथ मिलाते हुए कहा कि मेरा एग्ज़ाम्पल फॉलो करो. एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, और सिर्फ एक से ज़्यादा चीज़ कभी नहीं खाओ. आई विल डू बेटर देन दैट आई रिटॉर्टेड. तो उसने बोला कि मैं उससे अब से बेटर करूँगा. आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, और मैं आज रात को कुछ भी नहीं खाऊँगा. ह्यूमरिस्ट सी क्राइड गेली जंपिंग इन टू ए कैब, और वो कही कि तुम मजाक किया हो, और वो खुशी खुशी कैब में चढ़ गई. यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, तुम बहुत मजाक किया हो. बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन मैं अपना रिवेंज एट लास्ट ले लिया. टुडे सी वेज 21 stone. तो मैंने अपना रिवेंज ले लिया. ए यूनिट ऑफ वेट, 1 stone इज इक्वल टू 6.35 kg. यानी कि वो बहुत मोटी हो चुकी थी, इसलिए उसका जो रिवेंज था वो पूरा हो गया. आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट. टुडे सी वेज 21 stone, और वो काफ़ी हैवी थी, आप यहाँ देख सकते हैं. सो हेयर स्टोरी फिनिशेज. सो आई होप दैट यू विल फॉलो द लेडीज एडवाइस दैट नेवर ईट वन थिंग, नेवर ईट मोर देन वन थिंग इन योर लंचन और योर डिनर. सो एंड ऑलवेज कीप योर स्टमक एम्प्टी इवन आफ्टर द डिनर, सो दैट यू मे ईट समथिंग मोर आफ्टर द लंच और द डिनर. It's a very good habit. So, how did you like this story? Please give your review in the comment box. Thank you.